आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका साइज़ होगा 25 बाई 25, और इसको हमने डिज़ाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। तो यहाँ पे आके पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर 25 बाई 25 में और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो है पहले ही अपलोड किया हुआ है काफ़ी सारे प्लान। जैसे कि आपका 25 बाई 25 में आपको 1 BHK देखने को मिलेगा, 2 BHK भी मिलेगा, 3 बेडरूम के साथ भी मिलेगा और 4 बेडरूम के साथ भी। तो इतने सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके कुछ वीडियोस देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस प्लान का लेआउट कुछ इस तरीके से है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 25 बाई 25 का हमारा प्लॉट है। यहाँ पे जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 625 स्क्वायर फीट बनता है, और इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा 3D प्लान साइजेस के साथ होगा, 2D प्लान होगा वो भी साइजेस के साथ ही होगा, प्लस यहाँ पे कॉस्टिंग भी हम बताएंगे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की कि कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें वेंटिलेशन ऑप्शन आपको मिल सकता है, और इस डिज़ाइन को आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी दिशा में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस प्लान की डिटेलिंग शुरू करते हैं और इसका ओवरव्यू लेते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एंट्रेंस डोर की। तो यहाँ पे हमें एंट्रेंस डोर की जो चौड़ाई मिलती है 3 फुट 9 इंच मिलती है, और जिसमें होगा सिंगल पल्ले का डोर। उसके बाद आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हॉल एरिया होगा पूरा, यहाँ पे किचन और उसके बाजू में जो है कॉमन टॉयलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ड्राइंग रूम में जो है किस तरीके से सीटिंग बिठाई हुई है, उसी में आपका सीढ़ी भी आ रहा है। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किचन की। तो किचन का एक बार आप लेआउट देख लीजिए, किचन में एल शेप का काउंटर है। हम चाहते तो काउंटर को पूरा कर सकते थे, लेकिन हमें फ्रिज भी रखना है तो फ्रिज के लिए हमने ये कोना यूज़ किया है, और फ्रिज के ऊपर पानी ना जाए उसके लिए हमने बीच में ये पार्टीशन डाला हुआ है। यहाँ पे आपका सिंक है और ये आपका कुकटॉप है। चाहे तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हीट से दूर रखना चाहिए फ्रिज को, जिससे कि कूलिंग अच्छी हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करें इसके साइज की। तो यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है 7 फुट 10 इंच रहेगी, और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो 7 फुट रहेगी, यानी 7 फुट 10 इंच बाय 7 फुट का ये पूरा किचन रहेगा। काफी अच्छा साइज मिल रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हॉल की। तो हॉल में जैसा कि आपने देख लिया कि सीटिंग हमने जो है यहाँ पे एल शेप में दी हुई है, और ये जो आपका एलसीडी पैनल है वो सीढ़ी के नीचे आ जाएगा, जिससे कि सीढ़ी का एरिया भी यूटिलाइज होगा। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे ये जो कुछ स्टेप के नीचे जो स्पेस है उसको हमने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल छोटे छोटे कैबिनेट या फिर ड्रॉअर्स डाल सकते हैं, जिससे कुछ आप यहाँ पे स्टोर कर सकें। सीढ़ी की चौड़ाई यहाँ पे रहेगी 3 फुट की। 3 फुट की सीढ़ी जो है कुछ इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे आके लैंड करती है अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अगर सीढ़ी में जो है कितने स्टेप देने हैं, राइजर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हाइट के हिसाब से कि 10 फुट या फिर 11 फुट या फिर 12 फुट हाइट में जो है कितने हमें स्टेप रखने चाहिए और कितने राइजर मिलने चाहिए। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं पूरा, वहां पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इस ड्राइंग रूम के साइज़ की। तो यहाँ पे जो साइज़ है इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमको। यहाँ पे इस एलसीडी वॉल से लेके यहाँ पे किचन वाली वॉल तक 15 फुट 3 इंच की चौड़ाई है पूरी, और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट 1 इंच है। यहाँ पे सीढ़ी वाली जो वॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फुट 1 इंच का है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन बाथरूम। तो कॉमन बाथरूम का भी साइज काफी अच्छा है। तो यहाँ पे इसका साइज मिल रहा है 7 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है, जो कि काफी अच्छा साइज है। और हर जगह आप यहाँ पे ड्राइंग रूम में देख सकते हो कि हमने वॉलपेपर, फ्लोरिंग जो है आपको वाइट मार्बल रखी हुई है, वॉल पे वॉलपेपर्स हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जो भी हम बजट बताएंगे उस बजट में ये सारी फिनिशिंग चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद हमारा आता है बेडरूम 1। तो यहाँ पे जो बेडरूम 1 है यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग लिया हुआ है,
और यहाँ पे आपको इस बेडरूम में तीनों चीज़ें मिलेंगे स्टैंडर्ड साइज़ की, जैसे कि आपका बेड हो गया, अलमारी हो गई और एलसीडी हो गया। हम बात करें इस रूम के साइज़ की, तो यहाँ पे इस बेडरूम की चौड़ाई मिल रही है आपको 12 फुट और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट, यानी 12 बाई 10 का ये बेडरूम है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेडरूम टू, तो बेडरूम टू का भी साइज़ अच्छा है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज़ का बेड मिलेगा, बस यहाँ पे एक साइड का जो साइड टेबल हमने हटा दिया है, और आपको अलमारी भी मिलेगी और आपको एलसीडी भी मिलेगा, प्लस आपको बैक साइड में एक विंडो मिल रही है। तो यहाँ पे जो आपको साइज़ मैं बता दूँ पहले, तो यहाँ पे जो इस रूम का साइज़ है 11 चौड़ाई है इसकी और 10 इसकी लंबाई है, यानी 11 बाई 10 का ये रूम है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वॉल की थिकनेस, आउटर वॉल की थिकनेस हमने 9 इंच रखी हुई है और जो अंदर की सारी दीवारें हैं वो आपकी 4.5 इंच की रहेंगी। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है। और यहाँ पे मैं अगर इस प्लान की कॉस्टिंग की बात करूँ कि इसको बनाने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा फिनिशिंग तक, तो ये आपका कम से कम इस फ्लोर को बनाने में जो है 8 लाख का खर्च होने वाला है। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे जो है साइजेस को एक बार आपको वेरीफाई कर देते हैं कि कितने बाई कितने का हमने जो आपको 3D में बताया वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे 25 बाई 25 का आपको साइज़ मिल रहा है प्लॉट का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस की, तो यहाँ पे एंट्रेंस 3 फुट 9 इंच की जैसा कि हमने बताया। यहाँ पे है आपका किचन का साइज़, आप देखते जाएं यहाँ पे जो है साइजेस आपको क्लियर होता जाएगा। इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे हॉल का एरिया, तो 15 फुट 3 इंच जैसा कि मैंने आपको बताया था और 13 फुट 1 इंच इसकी पूरी लंबाई है। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो आपकी 3 फुट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि और डिटेल के लिए आप एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें हाइट के हिसाब से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 7 फुट 10 इंच इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर है, और ये 5 फुट 9 इंच इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे बेडरूम 1, तो बेडरूम 1 जैसा कि मैंने बताया साइजेस, बेडरूम 2 आ गया आपका 11 फुट 1 इंच है और लंबाई जो है इतनी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान, तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बालकनी, स्टोर रूम प्लस हॉल का साइज थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो जाएगा। पीछे 2 रूम आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ है वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कि इस फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 से 6 लाख जो है फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है हमने जो है सबसे पहले बालकनी को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे 3 फुट वाइड जो है आपको बालकनी मिल जाती है सामने, आप चाहें तो इसको 4 फुट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा हॉल एरिया कैलकुलेट होगा यहाँ पे, तो हॉल एरिया जो है सीढ़ी का जो स्पेस है वो छोड़ के हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेजरमेंट जो है आपके आ रही है 12 फुट 3 इंच बाय 13 फुट 1 इंच का यहाँ पे हॉल मिल रहा है आपको। स्टोर रूम जो किचन पे साइज था वही आपको यहाँ पे मिल रहा है, 7 फुट 10 इंच बाय 7 फुट का ये आपका स्टोर रूम में यहाँ पे मिल जाता है। बाथरूम का जो साइज है कॉमन बाथरूम का, इसकी जो है लंबाई हम देखेंगे तो 5 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 7 फुट 10 इंच ही है। उसके बाद जो है बेडरूम 3, जैसा कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो साइज मिला था आपको वही साइज यहाँ पे भी है 12 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 10 फुट। तो काफ़ी अच्छा साइज मिल जाता है यहाँ पे आपको बेडरूम का, और 4 बेडरूम के हिसाब से 25 बाई 25 का घर काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम बात करें कि इस प्लॉट को कितने बाई कितने में डिज़ाइन किया जा सकता है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है आपके पास जो है या तो चारों साइड ओपन एरिया हो या फिर आपके पास 30 बाई 30 का कम से कम प्लॉट होना चाहिए।
तभी आप इस प्लान को अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि चारों साइड से इसमें जो है हमने विंडो प्लेस किया हुआ है, जिससे कि चारों साइड से अच्छी खासी वेंटिलेशन यहाँ पर मिल सके। अगर हम आगे बात करें सेकेंड फ्लोर की, कि अगर सेकेंड फ्लोर को हमें एज छत रखना है, टेरेस रखना है, तो उसका प्लान किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो है ओपन टू स्काई जो टेरेस होता है, उसके लिए हमें ममटी को ढकना होता है। ममटी में मतलब सीढ़ी को ढकना होता है, जिसको हम ममटी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है पानी की टंकियाँ हम रख देते हैं। और बाकी जो ये एरिया है आपका, ये ओपन टू स्काई रहेगा, प्लस आगे जो 3 फुट वाला जो बैल्कनी है वो भी आपका यहाँ पे ओपन रहेगा। तो यहाँ पे आप जो ये ममटी है, यहाँ पे एक छोटा सा छज्जा दे सकते हैं, या फिर इस पे जो छत बनाएंगे उसको आप 2.5 फुट आगे निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड फ्लोर टेरेस प्लान। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।